हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक एडवांस एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं, आपकी हारमोनियम के ऊपर जो उंगलियाँ हैं उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका हारमोनियम बजाने का जो तरीका है उसमें आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अलंकार, ये जो पलटा बजाने जा रहे हैं, 6-6 स्वरों का पलटा है। सबसे पहले आप इस पलटे को नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर कि इसमें स्वर कैसे कैसे आपको बजाने हैं। तो पहले पैटर्न में 6 स्वर हैं, देखिए। सारे गामा पा धा, धा तक चलेंगे, सारे गामा पा धा। फिर उसके बाद रे गामा पा धा नी, फिर गामा पा धा नी सा। उसके बाद सा नी धा पा मा गा, फिर नी धा पा मा गा रे। उसके बाद धा पा मा गा रे सा। तो ये आपका अलंकार, ये पलटा है। अब इसको अपन बजाएंगे कैसे, किस तरीके से अपन इसी अलंकार की मदद से अपनी उंगलियों को तेज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ताल दादरा का यहाँ पे यूज करेंगे। ताल दादरा में इस पलटी को बजाएंगे। पहले क्या करेंगे, एक दफा सिंगल स्पीड में बजाएंगे, यानी कि सिंपल एक एक बीट पे एक एक स्वर लेके चलेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी अलंकार को दुगुन में कर देंगे, फिर सिंगल में, फिर डबल में, यानी कि इस तरीके से बजाएंगे। पहले सिंगल स्पीड, फिर डबल स्पीड, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड। इस तरीके से अपन इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बजा के दिखाता हूँ, देखिए। तरीके से आपको इस पलटे का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है डेली। आपको लगातार 2 दिन आधा आधा घंटा बजाना है, यानी कि प्रॉपर आपको 2 दिन का 1 घंटा रियाज करना है। आप यकीन मानिए आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस इसके साथ आपकी ताल की भी तैयारी होगी। अगर आप इसको गा के बजाएंगे तो वोकल की तैयारी होगी, है ना। अगर बजाएंगे फास्ट उससे आपकी उंगलियां भी तेज होंगी। तो मतलब कि ये जो एक अलंकार है, ये आपका संपूर्ण रियाज है, जिसके आपकी वोकल भी तैयार होगी, ताल भी तैयार होगी और आपकी उंगलियां भी बहुत अच्छी होंगी। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी। इस तरीके से आने वाले कुछ समय में, कुछ नए वीडियोस में आपके लिए नए नए टेक्निक्स लेके आऊँगा, जिससे आपको और इम्प्रूवमेंट होगी हारमोनियम पे तेज़ उंगलियां करने में। तो धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में। शुक्रिया।